सुमरन करो। हरि 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 सुमरन करो। हरि चरणारो बिंद चित धरो, हरि की कथा हो नित जहां। गंगा हो चल आवे तहां, जमुना और सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे, सब तीर्थ को बासो तहां। सूर हरि कथा होवे जहां, सूर हरि कथा होवे जहां। हरि 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 है सुमरन करो, हरि चरणार बिंद चित धरो। हरि हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय, ऋषिकेश जय जय, श्री राम जय जय, रघुनाथ जय जय, सीता रमण राम रघुनाथ जय जय, सीता रमण राम रघुनाथ जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। भोले की जय जय, शंकर की जय जय, भोले की जय जय, शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल
जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय कुलवाल कृष्णलाल की जय कृष्ण जन्म महामहोत्सव की जय गोपाल कृष्ण की जय गोविंद भगवान की जय नंद के लाला की जय यशोदा नंदन की जय ब्रजवल्लभ की जय गौवल्लभ की जय 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 गो गोपाल गोप गोपी गोवर्धन जय जय गो गोपाल गोप गोपी गोवर्धन नंद यशोदा माई दाऊ गोकुल वृंदावन जय की रति शुभानुराज का अष्ट सखी गण जय जय यमुना पुलन रास मंडल के मंडन कामधेनु अभिषेक करो गोविंद पद भूषित किए गोसेवा आदर सहित नारायण गोविंद वै गोसेवा आदर सहित नारायण गोविंद वै गायन के हेतु आए गोकुल आधी रात धाए भोर गोपी गोप दधि कांदो रचायो है गायन देख सचु पावे गुटुरन चली गोष्ठ जावे गोमूत्र गोमैत्री अंग लपटायो है याही हेत सुखदेव पंक अंग राग कहो छप छप कर हाथ मारे सूकर पद पायो है जेती ब्रज लीला सब गाय गोप गोपी हेतु नागनाथ गोवर्धन धारो अग्नि पाए है नारायण भगवान गौ माता को सुख पहुंचाने के लिए गोपाल कृष्ण बन करके पधारते हैं गौ माता की पुकार सुन करके ही आते हैं और संपूर्ण कृष्ण चरित्र गौ माता के सुख पहुंचाने के लिए ही सारी लीलाओं के मूल में गौ माता है। आप कल्पना कीजिए भगवान इन सब पहाड़ों पर बिना पनही के बिना उपानह के पैदल पैदल गौ की आराधना के लिए चले गाय के पीछे पीछे चले गाय के जल पीने पर ही जल पिया गाय जब चर के बैठ के रोथन करने लगी तब भोजन पाया गाय का श्रृंगार किया गाय की आरती उतारी गाय को रिझाने को नाचे गाय बांसुरी बजाई गाय की परकम्मा की और गोवर्धन गिरिराज को पुजवाया क्योंकि वो गोवर्धन है गायों का वर्धन करने वाला है और गोविंद कुंड पर भगवान का अभिषेक हुआ इंद्र का पराभव हुआ
भगवान के सामने जाने में इंद्र को भय लग रहा था, तो उसने एक तरकीब सोची, गौ माता को आगे कर लिया, कामधेनु को पीछे पीछे चला, सामने जाने में झिझक रहा था। गौ माता ने गोविंद का अपने दुग्ध से अभिषेक किया, आकाश गंगा के जल से ऐरावत हाथी ने सूंड में भर भर के जल से अभिषेक किया, गौ माता ने उस समय भगवान को गोविंद पद, देखिए गोविंद नाम की महिमा हमने तो कथा के क्रम में पंडित जी से सुनी है, तो गोविप्रदानम गायों का दान उस अवसर पर किया जाए जब अनंत गुना फल होता है, ग्रहण काल में काशी में किया जाए और कहाँ कहाँ कितना क्या किया जाए, वह सब गोविंद के पवित्र नाम के बराबरी का नहीं हो सकता। तो आज गौ माता का सबसे बड़ा महोत्सव है, गौ माता का प्यारा कन्हैया आज पधार रहा है, आज अंतिम आनंद का अवसर है। गो गोपाल गणेश गुरु दत्त शरण सिर नाय, भक्त गाय भक्त माला लिखूं नाभा प्रिया मनाय, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चार श्रवहीं पै एक, पै को फल नवनीत सम धेनु भक्ति है एक, हरि भक्ति गो भक्ति में गो भक्ति सविसे, हरि कू की अरि अति इष्ट गौ सहज द्रवहें अखिलेश। श्री गुरु दत्त शरण आज्ञा दई गो भक्तन को यश गाओ, अभिमत फल दातार गौ भव सागर को नाव। श्री गणेश देव जी की भक्ति और इसके बाद गौ माता को प्रदक्षिणा करने वाले गौतम जी की भक्ति का वर्णन हो चुका है। अब इसके पश्चात वत्स गोप अपहरण करो ब्रह्मा नाभा अवतरे, वत्स गोप अपहरण करो ब्रह्मा नाभा अवतरे, सखन संग बन भोज छाक लीला हरि कीनी, ब्रह्म झूठ को छीन खाय परतीत न कीनी, करु परीक्षा ग्वाल वाल अरु वत्स चुराए, उभय ठोर लख चकित सर्वमय हरिपद पाए हरिपद नाए, गो अपहरण न हरि सहो जन्म अंध है अवतरे, वत्स गोप अपहरण करो ब्रह्मा नाभा अवतरे। जो अपराध भगत कर ई राम रोसु पावक सो जरई।
भगवान के भक्तों का को जो अपराध करता है भगवान उस पर प्रसन्न नहीं रहते हैं, चाहे वह कोई भी हो। भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, पर आधी रात को देखो ब्रज मंडल अमरत बरसे दी, ब्रज मंडल अमरत बरसे दी। भगवान का जन्म तो अर्ध रात्रि को कारागार में हुआ। हम अपने गांव से कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण जन्म का आनंद लेने के लिए आए तो 12 बजे तक हमने जन्मभूमि पर आनंद लिया, भगवान का जन्म देखा। इतने में कुछ रसिक प्रेमी संत कहने लगे कि जन्म महोत्सव का आनंद तो गोकुल में मिलेगा। तो हमने कहा गोकुल में आधी रात को कौन जाएगा, तो उन्होंने कहा एक नहीं 10-5 नहीं सैकड़ों लोग जा रहे हैं। कैसे जाएंगे, बोले बहुत साधनों से जा रहे हैं, नाव से भी जा रहे हैं। हमका रात को नाव से जा रहे, बोले हाँ किश्तियां जा रही हैं, नाव जा रही है। तो किश्ती से हम गोकुल पहुंच गए। वहां पहुंचने पर कह नहीं सकते हम कितना आनंद आ रहा था जन्मोत्सव का, कितना आनंद। मुख्य मंदिर में हम जब पहुंचे तो उस समय इतनी बड़ी भीड़ थी, सब आनंद मग्न थे। हर मंदिर के सामने मंगल कलश रखे हुए थे, कदली वृक्ष रखे हुए थे, बंधन बार बंधा हुआ था, सहनाई नगाड़े आदि बज रहे थे। और मंदिर के भीतर क्या हो रहा था उसका तो वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। सामने झूला में गोपाल कृष्ण झूल रहे थे, पुजारी और उनकी पत्नी नंद यशोदा बन करके उनको झुला रहे थे, आगे अनेक खेल खिलौना रखे हुए थे। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ऐसा आनंद हो रहा था। इसके पश्चात गोकुल के ग्वाल बाल बड़ी बड़ी काट के बढ़िया धोती और पीतांबरी पहन करके और कांवरों पर बहुत दही और दूध के माट मटकों को लेकर के आए। सिर पर साफा था, ऐसे लग रहा था कि द्वापर ही उतर आया हो। ये सत्य कह रहे हैं, इन आँखों के सामने वो दृश्य आता है तो हृदय भाव से विह्वल हो जाता है। सब नाच रहे थे, थाल में भर भर करके भगवान को पेड़ा का आदि का प्रसाद लग रहा था और वह लुट रहा था। उतनी बड़ी भीड़ में वह पैरों में कुचल कुचल करके नीचे पहुंच रहा था, पर किसी को होश नहीं था। सब उठा उठा कर बटोर के प्रेम से खा रहे थे। इसके पश्चात दधि कांधों का उत्सव हुआ। ओहो हो, कह नहीं सकते हैं, सबका स्नान हो गया, दही उसमें हल्दी मिली हुई है, मक्खन के गोले फेंक रहे हैं, दूध दही की वर्षा हो रही है और जय जयकार हो रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। उसी बीच में एक दृश्य और हम आपको वर्णन कर दें। एक कोई सज्जन बहुत बड़े आदमी होंगे और
वह दरवाजे से भीतर नहीं घुस रहे थे। उनकी पत्नी उनसे दस्ता कसी खींच खांच करके भीतर ले जाना चाहती थी। भीतर तो देखो कितना आनंद हो रहा है। वह कह रहे थे हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमारे कपड़ों पर है देखो वो दही को फेंक रहे हैं, उसमें हल्दी मिली है और लोग गिर रहे हैं नीचे और ये सब क्या मचा हुआ है। और उनकी पत्नी उनको खींच खींच के भीतर घुसाना चाहती थी। हम देख रहे थे ये सब तमाशा। प्रेमियों का उत्सव कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्रज मंडल अमृत बरसेरी, ब्रज मंडल अमृत बरसेरी। कितना आनंद का उत्सव होता है वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह गो महोत्सव है। हम कथा के क्रम में एक बार कह चुके हैं कि एक बार अपने चातुर्मास से उठने के पश्चात श्री गोऋषि जी ने आध्यात्म के इतने रहस्यों को प्रकट किया, इतने गंभीर गंभीर भावों को प्रकट किया, भाव में भर करके न जाने क्या क्या, अपनी सारी संपत्ति को आध्यात्मिक संपत्ति को उदारता के कारण सबके सामने खोल के रख दिया। हम तो उस समय इतने व्याकुल हो रहे थे, भगवान टैप होता या हमारे हृदय में टैप बना होता तो मैं एक एक शब्द टैप कर लेता। पूरा प्रवचन लंबा था पर बीच में कोई गाय का नाम नहीं आया तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हमने धीरे से प्रणाम करके महाराज जी से कहा कि महाराज जी आज का प्रवचन हम इससे आगे जो कहना चाहते थे कह ही नहीं पाए। महाराज जी ने कहा कि आज का पूरा प्रवचन गाय पर हुआ है। अब हम बड़े चक्कर में पड़ गए, गाय पर प्रवचन हुआ है, हम समझ नहीं पाए। तब महाराज जी ने स्पष्ट किया जहां भी भारतीय संस्कृति की सारे संसार के सुख की सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कल्याण की बात जहां जो कुछ कही जाएगी, सौहार्द की बात जहां कुछ कही जाएगी, प्रेम की बात जो कुछ कही जाएगी, ब्रज मंडल की बात कोई कही जाएगी, कन्हैया की बात कही जाएगी, राम जी की बात कही जाएगी, आध्यात्म की बात कही जाएगी, वह सब गाय की बात है। गाय माने भारत, गाय माने धर्म, गाय माने वेद पुराण उपनिषद, गाय माने साधु संत सज्जन, गाय माने जो कुछ अच्छा है, जो कुछ अच्छा है वह गाय है। और इसके विपरीत जो कुछ है वह गाय से विरुद्ध में है, वह ना भारत है, ना भारत की संस्कृति है, ना भारत वासियों का धर्म है, वह भारत भारत नहीं है। इसलिए भारत उस दिन भारत कहलाएगा। भा माने होता है प्रकाश, आध्यात्म। जब आध्यात्म की ओर हमारा ध्यान पूरा पूरा आकृष्ट हो जाएगा तब हम भारतवासी कहे जाएंगे। भारतवासियों में संसार के लोगों में क्या फर्क है, हम आध्यात्मवादी हैं। आध्यात्म क्या कहलाता है सुन लीजिए। देखो किसी भी वस्तु का विचार तीन भागों में तीन तरह से किया जाता है। उदाहरण के लिए आंख है, यह आंख, इस आंख की बनावट, आंख कैसे है, आंख का इस संबंध में जानने वाला आंख का डॉक्टर, किताबों में आंख का जो वर्णन होगा, पुतली का वर्णन, सब कुछ, यह भौतिक वर्णन जो है यह भौतिक दृष्टिकोण है। आज ही भौतिक दृष्टिकोण से
यह आंख जो दिखाई दे रही है, ये आंख है। पुनः आंख से कैसे दिखाई देता है, तो आंख का देवता सूर्य है, तो आदि दैवक स्वरूप आंख का सूर्य भगवान है। विराट पुरुष के नेत्र सूर्य भगवान है। पुनः आदि दैवक स्वरूप के पश्चात हम विचार करें, आंख के भौतिक स्वरूप का देवता सूर्य है और सूर्य के भी देवता वह भगवान है। परम ब्रह्म परमात्मा ओंकार स्वरूप है, ब्रह्म है, तो वह आध्यात्मक चिंतन है। शिष्य के जितने भी चिंतन किए जाते हैं उन सारे चिंतनों का मूल आध्यात्म है। आज के प्रवचन में आप लोगों ने इस बात को खूब बढ़िया से सुना होगा, यह आध्यात्म ही है। सबकी जड़ भगवान है, भगवान का सर्वत्र दर्शन करना ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। बावन बार दर्शन करने वाले नामदेव जी को भी कच्चा भक्त कहा गया, और जब सर्वत्र वह भगवान का दर्शन करने लगे तभी उनकी कचाई दूर हुई। तो वह भगवान सर्वत्र है, हम सर्वत्र भगवान का दर्शन करने लगे। वासुदेवा सर्वमिति समहात्माति दुर्लभः, सर्वत्र वासुदेव भगवान का अनुभव करना, भगवान को ही देखना, यह दुर्लभ आध्यात्म का ज्ञान है। इससे जो संपन्न है वही महापुरुष है। भगवान का अवतार हुआ, यह अवतार इतना ललित अवतार है, इतनी मधुराति मधुर लीलाएं हुई हैं कि भागवत जी में अवतार के प्रयोजनों में कुंती माता ने कहा है कि आपके अवतार का प्रयोजन तो यह है कि आपने मधुरात मधुर लीलाएं की हैं, ऐसी लीलाएं की हैं जिनकी कथा सुन के सबका मन आकृष्ट हो जाए। चोरी की कथा किसी को अच्छी लगे तो चोरी की सुन लो, आपको क्या अच्छा लगता है वह सभी सुनने को आपको मिलेगा। बाल लीला का सुख किस प्रकार से ब्रजमंडल में जन्म यशोदा को हुआ है कहा नहीं जाता है। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए, लट लट कन मनोमत मधुपगन मादक मदही पिए, लट लट कन मनोमत मधुपगन मादक मदही पिए, कठला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचि रहिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, सूरदास एको पल को सुख का सतकल्प दिए, शोभित कर नवनीत लिए। कन्हैया कहाँ रहते हैं, जहाँ गौ माता खूब संख्या में रहती हैं। जैसे पथमेड़ा वाले महाराज कहीं भी जाएं तो गोश्त में ही उनका डेरा डलता है, चाहे वहाँ सुविधा हो चाहे असुविधा हो, गोश्त में ही उनका वास होता है। कन्हैया का भी वृद्ध यही है, कन्हैया गोश्त में ही रहते हैं, गाय उनकी इष्ट हैं।
तो आज जिस लीला का वर्णन किया जा रहा है भगवान की बड़ी ललित लीला है, तो कुंती माता कहती हैं कि आपका अवतार केवल मधुर लीलाओं को करने को, जिनको सुन करके और भक्तों का हृदय सहजी उधर खिंच जाता है और किसी से कहें कि भैया कौन सी कथा सुना है, अरे महाराज माखन चोरी की सुना दो, माखन चोरी लोगों को अच्छी लगती है, राज की कथा सुना दो, तो भगवान के चरित्र हृदय को आकृष्ट करने वाली है। आपको कुछ कहना करना नहीं पड़ेगा, आपका ध्यान स्वयं आकृष्ट होगा, इसीलिए उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण माने खींच करके लाने वाले। भगवान की सुंदर शोभा सारे संसार में सबसे सुंदर यहाँ की कौन सी है मैं बता रहा हूं। आज तक जितने चित्र आपने देखे हैं उन चित्रों में सबसे सुंदर चित्र कौन है? सबके घरों में मिल जाएगा। यमुना जी बह रही हैं, पीछे गिरिराज गोवर्धन की शोभा है, कदम्ब का वृक्ष है, मोर कोकुल सुख सारिका आदि जो है बैठे कूज रहे हैं, पाछे गौ माता अर्ध निमीलित नेत्रों से खड़ी है, श्री कृष्ण भगवान त्रिभंगी छवि से बंसी वादन कर रहे हैं। इससे सुंदर चित्र हमारी समझ में तो तीनों लोकों में कोई हो नहीं सकता है। राजा के लड़के थे, अभी बचपन ही था, बड़े नहीं हुए, 4-5 साल के हुए, अब बछड़े चराने जाने लगे, क्या जरूरत थी? अरे ये तो गोपाल हैं, बिना गैया के रह नहीं सकते हैं। गायें वन में चली गई, बछड़ों को लेकर के ग्वाल बालों के साथ में कन्हैया जमुना जी के किनारे किनारे बछड़े चराने जाते हैं, वहीं पर तरह तरह की लीलाएं करते हैं। भगवान ने किसी असुर का वध नहीं किया। अबे सुन के आप कहेंगे कि झूठ बोल रहे हो, अरे झूठ क्या बोल रहे हैं, हम तो ऐसी कथा सुनी है कि भगवान जब मथुरा पहुंचे और कुश्ती में चाणूर मुष्टक आदि को पराजित कर दिया और उछल करके इनाम लेने को ऊपर मंच पर पहुंचे तो मामा जी घबरा रहे थे। भगवान ने कहा मामा जी बहुत ऊंचाई पर आपका मंच बना है, आप कहीं गिर ना जाए, संभालने के लिए मामा जी को आकुल थे और वो गिरने को तो गिरने ही वाले थे, गिरने को तत्पर हुए तो उनके बाल पकड़ लिए, इसके बाद भी वो गिरे तो मामा जी को बचाने को भगवान पीछे से गिरे उनके ऊपर और मामा जी का तो राम राम सत्य हो गया। लोग कहते हैं कंस मर गया, कंस अपने पाप से मरा, कन्हैया ने तो उसको खूब बचाने की कोशिश की। इसी तरह से जैसे बच्चों को खिलौने आते हैं, कन्हैया तो छोटे थे और दैत्यों को मारने का काम बालकृष्ण का कैसे हो सकता है, अरे भगवान ने तो खिलौना समझा और खिलौने जैसे बच्चे फोड़ देते हैं तो खेल खेल में खिलौने से फोड़ते चले गए, चाहे अघासुर जी हो, चाहे बकासुर जी हो, चाहे धेनुकासुर जी हो, कोई असुर हो, पर उनको तो कुछ खेल खेल में मर गए। बकासुर जी का चटकौआ बना लिया, हमको खूब हमने बचपन में खेला है, गोंदरा को बीच से चाट काट देते हैं, दोनों तरफ ऐसा हिलाते चिट 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 ऐसा घुमाते हैं, चटकौआ बना दिया बकासुर का। अघासुर जी के
शरीर को गुफा समझ करके खेल खेल में अघासुर जी का राम राम तत्व हो गया। तो कन्हैया की लीला बत्सासुर आदि इनको भगवान ने खेल खेल में मारा। मामा ने खिलौने पहुंचाए, कन्हैया ने तोड़ फोड़ कर दी। अब मारने की बात लोग कहते हैं तो मर गए, मिट्टी के खिलौने थे, फूट नहीं थे, फूट गए। ब्रह्मा जी भी अपनी पंडिताई में भूले हुए थे, दूर दूर से कथा तो मौन से सुन रहे थे। नारद जी जाकर के रोज बढ़िया आज कौन सी लीला हुई, तो नारद जी बढ़िया से सुनाते आज कौन सी लीला हुई, नारद जी सुनाते रोज लीला सुनाते। ब्रह्मा जी के मन में उत्साह हुआ कि हम भी तो जाके देखें लीला कैसी हो रही है। ऐसा विचार करके और ब्रह्मा जी यमुना के पुलन पर वहां पहुंचे। आज ठाकुर जी ने बड़ी विचित्र लीला की। ठाकुर जी ने बाल कृष्ण लाल गोपाल ने अपने ग्वाल बालों से कहा, देखो भैया ग्वाल बालों, आज कोई सवेरे से अपने घर बाल भोग कलेव करके नहीं चलेगा, जाकर के अपने अपने मैया से कह दो जो जिस सामान को बनाने में स्पेशलिस्ट हो, बढ़िया बनाना जानती हो, कंपटीशन होगा कौन की मैया कितना बढ़िया बढ़िया चीज क्या बनाती है, सबको सबकी छूट है और बना के लाना। और फिर वन में बैठ करके गोल बना करके एक साथ वनभोज करेंगे, वहां बड़ा मजा आएगा। ऐसे ही किया सब लोगों ने। सब में पहले भगवान ने अपना सिंह बजाया, सिंह बजा करके सबको बुलाया, सब आ गए। सबके सिंहों के ऊपर अपना जो बनाया हुआ था मैया का वह सब लटक रहा था, लाठी के एक ओर लटक रहा था जो जो जिसकी मैया ने बनाया था। बांसुरी बजाते हुए, श्रृंग ले हुए, अपनी अपनी लाठी लिए हुए, कमरिया लिए हुए, सब ग्वाल वालों के साथ, कन्हैया ग्वाल वालों के साथ बछड़ों को चराने यमुना पुलिन पर पहुंचे। बछड़ों ने थोड़ा हरी हरी घास को चरा, फिर पानी पिया, पानी पी करके पुनः हरी घास चरने लग गए। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो भैया हम लोग तो बालक हैं, बालकों को सवेरे से भूख लगती है, आप जाकर के नंदगांव में पता पाड़ लो। रात को भगवान जहाँ सोते हैं तो वहाँ उनके पास में जल के साथ में लड्डू रखे जाते हैं, बच्चों को खूब भूख लगती है। और कब लगती है, कैसे लगती है, दौड़ धूप करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बचपन तो बचपन है, तो बचपन का आनंद कोई कह नहीं सकता है। भगवान की बाल लीलाएं कितनी सुखद थी। सब लोग गोलाई में बैठ गए और अपनी अपनी मैया की बड़ाई करके अपने अपने सामान को दिखाने लग गए। हमारी मैया ने ये बनाया, हमारी मैया ने ये बनाया, हमारी मैया ने ये बनाया, हमारी मैया ने तो वहाँ कैसा रायता बनाया है, ओहो ऐसा धुआं दिखाया है, ऐसा स्वाद है, ओहो ऐसा कह करके कोई रायता पी रहा। तो भगवान कहते हैं, अरे भैया तू अकेले स्वाद बता बता करके पी रहा है, हमें भी तो बता कैसा स्वाद है। तो उसी का जूठा पात्र लेकर के मुंह लगा के पीने लग जाते हैं। किसी की कढ़ी बहुत अच्छी बनी है, कढ़ी पकौड़ी छीन करके खाने लगते हैं। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, सब का छीन छीन करके खा रहे हैं और हंस रहे हैं। देखो बड़े बूढ़े तो भोजन करते हैं तो भोजन ही करते हैं, पर बच्चे भोजन करने में भी खेलते हैं। सारा संसार उनको खिलौने दिखाई देता है,
बच्चों के लिए सब चीज, सारा संसार की सब चीजें खिलौने खिलौना दिखाई देती हैं, वो तो खेलते ही खेलते हैं। तो खेल रहे थे, खा रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे की हंसी कर रहे थे, दौड़ दौड़ धूप करके। अब आप लोग कहेंगे हंसी क्या कर रहे थे, हंसी भी करना ये ललित लीला है। श्री रामा की मैया ने पाग करके खुरमी बनाई थी, तो मनसुख लाल ने क्या किया कि धीरे से उसके पीछे के लाठी पर से उसके सीके को हटा लिया और खुरमी तो अपने सीके में रख ली और कनेर के गट्टे, कनेर में होते हैं पीले पीले गट्टे, कनेर के गट्टे उसके झोले में भर दिए। अब ज्योही उसने कहा कि हमारी मैया ने तो ऐसी पगी खुरमी बनाई है, निकाला तो कनेर के गट्टे थे। अरे ये कनेर के गट्टे कहाँ से आ गए? और मनसुखा कह रहा था अरे भली भले ही मेरी मैया आंधी है, फिर कोई कम है क्या? देखो कैसी खुरमी पगा करके बनाई है। तो इस तरह से हंस रहे थे, खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा, कैसे थे भगवान सन्मुख सब की ओर, जैसे कमल खिल जाता है, कमल के बीच में पीला पीला वो होता है, इसी तरह भगवान बीच में सबकी ओर बैठे हुए थे और छीन छीन करके खा रहे थे। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, हाय ये कैसा ब्रह्म है, कितने क्रिया पद्धति से भोजन बनाया जाता है, प्रसाद को आगे रखा जाता है, तो भगवान केवल उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण मात्र से स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं खाते। वही परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार हमने सुना है, और यह कैसे परमात्मा है? इन ग्वाल बाल क्रियाहीन इन बच्चों का छीन छीन करके जूठा खा रहे हैं, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है, तो हम परीक्षा ले लें। तो परीक्षा की बात मन में आ गई और परीक्षा का विचार करने लगे, तो वत्स गोप अपहरण कर ब्रह्मा नावा अवतरे, वत्स गोप अपहरण कर ब्रह्मा नावा अवतरे, सखन संग बन भोज छाक लीला हरि कीने, ब्रह्म झूठ को छीन खाय परतीत न कीने, करूं परीक्षा ग्वाल बाल अरु वत्स चुराए, उभय ठोर लख चकित सर्वमय हरि पद नाए, गो अपहरण न हरि सहो जन्म अंध है अवतरे, वत्स गोप अपहरण करो ब्रह्मा नाभा अवतरे। प्राण प्रिय गाय गोप हरहि रहस्य गूढ़, प्राण प्रिय गाय गोप हरहि रहस्य गूढ़, ब्रह्मा हु न जाने जान पाछ पछोताए है, धरो प्राण प्यारे वत्स गोप को स्वरूप में ही, पाऊं वात्सल्य सुख हरि मन लाए हैं,
भक्त रुचि पूरी कर बे को अवतार धरो हो ना उरन सो जन्म हरि गाए हैं। आठ आँख वालो हुना देख सको हरि रूप जोलो हरि आपने दिखाए रूप ना। भगवान की संपूर्ण लीलाएं ब्रजवासियों को गोप गोपियों को गायों को सुख देने के लिए हो रही है। गायों के मन में था कन्हैया श्यामा गाय का दूध बछड़े के साथ में मुंह लगा करके पीने लग जाते हैं। गोपियों के मन में था कन्हैया जैसे यशोदा जी का दुग्धपान करते हैं हमारा भी दुग्धपान करें। ग्वाल वालों को भगवान अपने स्वरूप में लगते हमारे आत्मीय बहुत प्यारे हैं ऐसा विचार करते। ब्रज की कुमारिकाओं को लगता कि हमें कन्हैया जैसा ही सुंदर पति प्राप्त हो। इन सभी बातों पर विचार करके भगवान ने विचार किया कि हम सभी की अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे। ऐसा विचार करके भगवान ने आज इस लीला को रचाया है। तो भगवान हाँ ब्रह्मा जी ने कहा सोचा कि हम परीक्षा लें तो ग्वाल वालों ने कहा कि देखो कन्हैया तुमने कहा था कि बछड़े भाग जाएंगे तो हम लाएंगे अब देखो बछड़े तो दिखाई नहीं दे रहे हैं और बछड़े अगर गैया का दूध पी लेंगे तो हमारी मैया मारेगी हमारे बाबा मारेंगे हमारे तो बछड़े अभी लाओ। कन्हैया ने कहा कि अरे भैया देख भोजन के बीच में से मत हटा भोजन करके कलेऊ कर लेने दे फिर हम चले जाएंगे। बोले नहीं श्री रामा ने फेंट पकड़ ली हमारे तो बछड़े अभी ला। तब भगवान को दौड़ना पड़ा सपाणि कबलम ययौ हाथ में दही भात का कौर लिए हुए एक हाथ में अचार की कली लिए हुए और बछड़ों को दौड़ने के लिए खोजने को भगवान गए। इसी बीच में ब्रह्मा जी ने उधर बछड़ों को हरण कर लिया यहाँ ग्वाल बालों का हरण कर लिया। तो एक वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल बन गए वैसा ही स्वभाव वैसा ही स्वरूप वैसा ही लाठी वैसा ही बछड़े वैसा ही बिल्कुल जो कहते हो। देखो संसार में एक चीज ऐसी दूसरी चीज नहीं हो सकती पर भगवान तो सर्वसमर्थ है वैसे ही बछड़े। अब आज जब गायों ने बछड़ों को देखा तो रमाने लगी और बछड़े बड़े हो गए थे दूध पीना छोड़ दिया था पर बछड़े भी उछल करके गाय मैया का दूध पीने लगे। वो तो कन्हैया थे सबकी अभिलाषा पूरी करने थे बछड़े बने हुए कन्हैया ही थे और गायें इतना दूध उतार रही थी कि खूब बछड़े दूध पी रहे थे। ग्वाल बाल भी बड़े हो गए थे मैया का दूध पीना छोड़ दिया था पर आज पता नहीं मैया बढ़िया से स्नान करा के बालकों को गोद में लिटा के दुग्धपान कराने लग गई और सूखे आंचलों में भी खूब दूध उतरने लग गया खूब दूध पी रहे हैं। उसी समय आचार्य गर्गाचार्य आदि ने आकर के कहा कि देखो इस वर्ष ब्रजमंडल में ऐसे मुहूर्त उदय हुए हैं कि ब्रजमंडल के भीतर ही जिसकी कन्या जितने वर्ष की भी हो कुछ विचार मत करो ब्रजमंडल के भीतर विवाह कर दो तो नारायण के सदृश पति मिलेगा। तो भगवान की वधुएं कृष्ण बद्धा कहा है सभी गोपियां कृष्ण की सात भावर की पत्नियां थीं
सबका विवाह ग्वाल वालों से हुआ और ग्वाल वाल तो सब कृष्ण ही बने हुए थे। इस प्रकार से सबकी अभिलाषा को भगवान को पूरा करना थे। तो प्राण प्रिय गाय गोप हर ही रहस्य गुड़, ब्रह्मा हू ना जाने जान पाछे पछोताए हैं। धरो प्राण प्यारे बत्स गोप को स्वरूप में ही, पाऊं वात्सल्य सुख हरि मन लाए। अपने प्रेमी ब्रज की गोपियों का और माताओं का और गायों का वात्सल्य का आस्वादन करने के लिए कन्हैया इतने रूपों में हो गए। धरो प्राण प्यारे बत्स गोप को स्वरूप में ही, पाऊं वात्सल्य सुख हरि मन लाए हैं। भक्ति रुचि पूरी कर बिको अवतार धरो, हो न उरण सो जन्म हरि गाए हैं। भागवत में भगवान कहते हैं, हे गोप गोपियों, सौ जन्म भी मैं अवतार लेकर के तुम्हारे रण से उरण नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी के इस मोह को देखकर एक वर्ष ब्रह्मा जी की यह लीला हुई। अब आप 56 में सुन लीजिए, ग्वाल बाल मंडली में कृष्ण गोपाल कही, ग्वाल बाल मंडली में कृष्ण गोपाल कही, बन भोज सुखो भारी संग मिल खाएंगे। को न कलहू कर घर से चले गोकाल, अपने साथ घर से कलहू लेकर जाएंगे। पाक शास्त्र माही चतुर मैया कौन की है किट्टी, काल है परीक्षा हम निर्णय सुनाएंगे। होड़ परी सब में निज मैया ही सो कही जाए, शाम को जो भाव सोई भोगो हम खवाएंगे। कन्हैया को जो जो मीठा लगता उनकी मैया वही बनाने लगी। भोरे ही बजायो श्रृंग ग्वाल वाल संग भीर, लाठी पर अच्छी को पाछे बछरन के आए हैं। जमुना पोलन आए बच्छन पे आयो नीर, हरी हरी घास पर बछरा चराए हैं। कृष्ण कही देखो दिन चढ़ आयो, भूखो लगी आओ मिल बैठ कर भोजन बुलाए हैं। कही श्री दामा कहूँ बछरा जो भाग गए, गायन चुखाए मैया मारे भय खाए हैं। तो कही कृष्ण चिंता जन करो खोज लाऊंगो मैं, मेरी जिम्मेवारी साथ भोजन बिठाए है। कमल के फूल जैसे गोलाकार बैठ गए, श्याम सन मुख सब पत्र ले बिछाए है। खोल छिंकी ने जे सब बता बता खान लगे, मैया की बड़ाई करें स्वाद ले बताए हैं। को कहे गुजिया को खुरमा को माल पिया, धुआं दही छाक भात भात पाक गाए हैं। सबको छुड़ा छुड़ा खावे कृष्ण भारी रुचि दिखावे, सबको छुड़ा छुड़ा सबको छुड़ा खावे कृष्ण भारी रुचि दिखावे, धुआं दियो छाक सर्वश्रेष्ठ सो बतायो है। पूछा सबसे मीठा सबसे स्वादिष्ट किसका हुआ, तो भगवान ने कहा जो सबसे गरीब था, कहा इसकी मैया ने और बगाड़ दे करके धुआं दे करके छाक बहुत सुंदर बनाया है। तो छोड़ा छोड़ा खावे सब कृष्ण भारी रुचि दिखावे, सबको छोड़ा खावे कृष्ण भारी रुचि दिखावे, धुआं दियो छाक श्रेष्ठ सब में बतायो है। नाचे गावे मुँह बनावे सबको छीन छीन खावे,
कैसो ब्रह्म देख विधि, अति चकरायो है ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। श्री रामा कही अरे बछड़ा दिखावे नहीं, कहूँ भाग गए लाओ कृष्ण समझाए हैं। करे के कलयू अब जाऊं ढूंढ लाऊं उन्हें, नहीं अब ही लाओ हट करके पठायो है। देवी ऋषि नारद जी ब्रज मा ही छाए रहे, हरि को ललित केली देख सुख पावही। बहुरे सिधारे ब्रह्म लोक में सुनावे जाए, सुन सुन आज मन अति सुख पावही। सुनत सुनत भई देखेवी की चाहे और, सुनत सुनत भई देखेवी की चाहे और, जाकर निहारे कैसी लीला ये रचावही। आए वन भोज लीला देख के भुलाने, हाय कैसे भगवान ग्वाल जूठा छीन खावही, ग्वाल जूठन छीन खावही। तो करो मैं परीक्षा बस ग्वाल वाल चोर लिए, आए बस पीछे जैसे पहले वैसे पाए हैं। एक वर्ष तक ब्रह्मा जी बछड़ों को और ग्वाल वालों को छिपाए रहे ब्रह्मलोक में, और एक वर्ष बाद आकर के देखा कि क्या हाल है, तो पहले से भी ललित लीला हो रही थी। देख करके ब्रह्मा जी चकरा गए। यहाँ बलदेव जी विचार करते हैं कि क्या बात है, कुआं में भांग पड़ गई क्या, सभी जितने लोग हैं सब प्रेम में पगलाए हुए से हैं। गायों को देख के बछड़े रमाते हैं, बछड़ों को देख के गैया रमाती है, बड़े बड़े ग्वाल वालों भी अपनी मैया का दुग्धपान करने लग गए, छोटी छोटी बालिकाओं का विवाह हो रहा है, सब विवाह का आनंद हो रहा है। एक दिन गोवर्धन के ऊपर गायें चल रही थीं, यमुना पुलन में बछड़े चल रहे थे, गायों ने बछड़ों को देखा तो पूंछ उठा उठा करके भागी। ग्वालों ने बहुत रोकने की कोशिश की पर किसी तरह से नहीं रुकी। ग्वाल सब बड़े क्रोध में भरे हुए आए, पर आने पर उन्होंने देखा तो सारा क्रोध ठंडा हो गया, अपने बालकों को देखकर आह्लादित हो गए। बलराम जी कहते चकित होकर देखते क्या कुएं में भांग पड़ गई, क्या हो रहा है। तब अपने स्वामी श्री कृष्ण का ध्यान किया, ध्यान करने पर देखा कि ग्वाल बाल बछड़ों के सभी रूप में भगवान थे। यह भगवान की ललित लीला गुप्त लीला है, एक वर्ष की लीला, यह तो विशेष परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी ने वर्णन किया है। यह जागृत लीला नहीं है, सबके सामने होने वाली लीला नहीं थी। ब्रह्मा जी चरणों में जाकर के पड़ गए। बार बार देखने जाए ब्रह्मलोक में यही ग्वाल बाल, यहाँ देखे तो वही ग्वाल बाल, वहाँ देखे तो वही ग्वाल बाल, यहाँ देखे तो यही ग्वाल बाल, कौन सच्चे कौन झूठे यही ना जान पाए। तब भगवान की महिमा समझ करके स्तुति करने लगे, बहुत स्तुति की, पर भगवान ने उनको ऊपर प्रसन्नता नहीं दिखाई। करो में परीक्षा बस ग्वाल वारे चोर लिए, आए बस पीछे जैसे पहले वैसे पाए हैं। चकित यहाँ वहाँ देखे भयो भारी ब्रह्म, ब्रह्म विशेष जाने अज्ञान ने जो ब्रह्म पछताए है, ब्रह्मा पछताए है। परे जाए चरणन में विनती विस्तारी दीन, हेतु जन्मांधना वादास जन्म पाए हैं। चरणों में आकर के प्रणाम करके हाहाकार करने लगे, मुझसे बड़ी गलती हुई। तो भगवान ने कहा कि देखो सबसे बड़ा हमारा अपराध है भक्त से हमारा कोई विछोह कर दे, कुछ बड़े पाप बताए गए हैं, भाई भाई में भेद डाल देना, पति पत्नी में भेद डाल देना, दो मित्रों में भेद डाल देना,
बाप बेटे में भेद डाल देना, माता पुत्र में भेद डाल देना, प्रेमियों में भेद डाल देने का बड़ा भारी अपराध बताया। जो चतुर चालाक समझ के इस कार्य को करते हैं, इसका उनको बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है। यह बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, यह नहीं कहना चाहिए। तो कहा, तुमने हमारे एक वर्ष तक हमारे भक्तों से बिछोह कराया, तुम्हारे ही प्रार्थना करने पर हमारा अवतार हुआ और तुम ही भूल गए। अरे हम तो ललित लीला चोरी कर रहे थे, तुम्हारा मन चोरी में कैसे आ गया, हमारी नकल करने लग गए तो भोगो। फिर जाकर के कहा, तुम चार मुख वाले हो, तुम्हारी चार दुना आठ आंखें हैं, आठ आंख वाले तुम और अंधे हो, तो जाकर के अंधे रूप में जन्मांध रूप में जन्म लोगे और उस समय तुम्हारा नारायण दास नाम होगा, बाद में तुम्हारा नाम नाभादास होगा और हनुमान वंश में तुम्हारा जन्म होगा। एक ब्राह्मण थे, हनुमान जी के बड़े भक्त थे, कभी कोई अभिलाषा नहीं की, निष्काम भाव से हनुमान जी की सेवा करते रहे। एक बार उनकी पत्नी का किसी ने अपमान कर दिया, उनके कोई संतान नहीं थी, तो किसी ने कह दिया कि आज तो सवेरे से हमको फैन हो गई, निपुती का मुख देखा तो दुखी हो गई बेचारी। पतिदेव ने पूछा, आज तुम दुखी क्यों हो, तो कहने लगे कि क्या कहें, आज हमारे मन में संतान की अभिलाषा हो गई है। इस बात को सुन करके पंडित जी थोड़ा दुखी हो गए। हनुमान जी ने कहा, अरे पंडित जी क्यों दुखी हो, क्या बात है? पंडित जी ने कहा, महाराज आपसे क्या छिपाएं, बात ऐसी ऐसी है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, पर तुम मेरे बड़े निष्काम भक्त हो, तुम्हारे लिए मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तो कर्नाटक के एक परिवार में, जिसको कि नर्तक परिवार था, नृत्य करना जिनका पेशा होता, ब्राह्मण थे, भगवत भगवान के सामने नाचते थे, उनके वंश में अवतार हुआ। वह ब्राह्मण थे, तो हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मैं ही जन्म लूंगा, तो उसके छोटी सी पूंछ होगी और तुम्हारे वंश का तो नाश हो गया, डूब गया, नया वंश चलने से हनुमान वंश कहाएगा, तो मेरी दुम होगी तो दुम के कारण वह दुम वंश कहा जाएगा, दुम से ही डोम कहा जाने लगा, तो हनुमान वंश ही में जन्म प्रसन्न भयो, जन्म अंध भये डोम वंश जन्म पायो है। ऐसे जन्मांध थे कि आंखों के गोलक नहीं थे, सामने चमड़ा ऐसा एक सा बंद था। जन्म अंध बालक अकाल माता छोड़ो बन, कील अग्रदास कृपा कर अपनाए हैं। अकाल पड़ा, भूख प्यास से व्याकुल लोग भागने लगे, इस बालक के लेकर के इसकी मैया कहीं किसी गांव में मांग करके अन्न खिलाएंगे, तो बालक थक गया तो चौराहे पर बैठा दिया, बेटा तुम यहाँ बैठो, हम कुछ भोजन लेके आते हैं। और फिर मैया तो चली गई, पता नहीं क्या हुआ आगे, पता नहीं है। पर इतने में कीलदास जी और अग्रदास जी, बैहारी जी के शिष्य थे कीलदास जी, अग्रदास जी, दोनों पधारे और उन्होंने इस बालक को देखा। देख करके उन्होंने, कीलदास जी ने कहा कि बालक तो यह बड़ा दिव्य बालक है। कमंडल से तुलसी मित्र जल लेकर के सींचा तो तुरंत नेत्र खुल गए। जन्म अंध बालक अकाल माता छोड़ो बन, कील अग्रदास कृपा कर अपनाए हैं। सींचो जल नैन खुले,
गुरु अग्रदास मिले, गलता जाए सेवा सीत भोजन बताए हैं। उस अंध बालक के नेत्र खुल गए और सर्वप्रथम उन्होंने गुरुदेव का ही दर्शन किया। उस बालक को लेकर के दिव्य गति से आकाश मार्ग से गलतागंडी पहुंच गए और वहां पर बालक को साधु सेवा में लगा दिया। गुरुजी ने बता दिया कि साधु जब पंगत कर ले उसके पश्चात पंगत किया करे, और उनके शीत प्रसाद को लिया करे। तो जन्मांध बालक ने गुरु आज्ञा से शीत प्रसाद स्वीकार किया, साधु सेवा की। उस सेवा के प्रभाव से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। सींचो जल नैने खोले गुरु अग्रदास मिले, गलता जाए सेवा सीत भोजन बताए है। श्री अग्रदास जी ध्यान में बैठे हुए थे, इतने में उनके शिष्य का जहाज जो समुद्र में जहाज से व्यापार करता था तूफान में फंस गया। उन्होंने अपने गुरुजी का ध्यान किया, निर्मल हृदय से शिष्य ने ध्यान किया तो गुरुजी का मन मानसी सेवा कर रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। उधर चला गया तो चले गए समुद्र के किनारे, पहुंचे तो नीला समुद्र देखकर भगवान के अंग कांति का ध्यान आ गया। पीछे नाभादास जी नारायण दास है, 5 वर्ष का बालक धीरे धीरे पंखा से हवा कर रहा था। ध्यान में जो हो रहा था वो सब देख लिया, तो पंखे के हवा से उसने तूफान को हटा दिया और पंखे को हला करके किनारे की ओर जहाज को चला दिया और गुरुजी से कहा, महाराज आप अपनी पूजा में मन लगाइए, उसका तो कष्ट निवृत्त हो गया, जहाज किनारे लग रहा है। और वह ठाकुर जी का मुकुट धारण करा गए, माला पहनाना भूल गए, अब कैसे पहनाए। तो कहा कि वह बालक बोला कि माला की गांठ खोल करके फिर पहना कर माला की गांठ लगा दीजिए। यह सुन करके अग्रदास चकित हो गए, कहा कि बेटा पाई दिव्य दृष्टि साधु सीत पर साध पाए, लिखो भक्त माल गुरु आज्ञा को सुनाए हैं। प्राप्त हो गई है दिव्य दृष्टि, इसलिए तुम अब जिनकी कृपा से तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है उन संतों का साधुओं के चरित्रों का वर्णन करो। सागर घागर में सागर समाधि वाणी भक्त माल, 100 वर्ष पीछे प्रियादास टीका गाए है। समाधि वाणी में पहले तो नाभाजी ने कहा कि महाराज गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को, रामकृष्ण की लीला का वर्णन कर सकता हूँ पर भक्त के चरित्र का गायन करना हमारे बस की बात नहीं है। तब उन्होंने कहा बे आए कहें सब भक्त तुम्हारे ध्यान में आके अपना चरित्र दर्शन कराएंगे। समाधि अवस्था में लिखा हुआ यह ग्रंथ है, समाधि की वाणी सबको स्पष्ट नहीं हो रही थी। 100 वर्ष बाद नाभाजी ने प्रियादास जी को दर्शन दिया और प्रियादास जी ने 100 वर्ष बाद टीका लिखी, घागर में सागर समाधि वाणी भक्तमाल, 100 वर्ष पीछे प्रियादास टीका गाए है। 100 वर्ष बाद प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका को लिखा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल कहें गोपाल
गोपाल कहें गोपाल, गोपाल कहें गोपाल, गोपाल कहें गोपाल। मैं गायन के हित आऊं, बैकुंठ को बिसराऊं, बन नंद जसोदा बाल, गोपाल कहें गोपाल। मथुरा से गोकुल आयो, दधि दूध महोत्सव छायो, दधि कादो हुआ। मथुरा से गोकुल आयो, दधि दूध महोत्सव छायो, गो गोपी गोप मन भायो, सब बाल केल सुख पायो, बनो बत्स पाल गोपाल, गोपाल कहें गोपाल, गोपाल कहें गोपाल, गोपाल कहें गोपाल। मोहि जैसी जसोदा मैया, वैसी ही प्यारी गैया, गोवत्स बनो अरुवाल, गोवत्स बनो अरुवाल, गोपाल कहें गोपाल। मैया मोहि माखन भावे, सुन गोपी मोहि बुलावे, लख भाव चोर दधि खावे, मैया पे पकड़ दिखावे। मैं माखन चोर गोपाल, गोपाल कहें गोपाल। मैं गोचारण हित जाऊं, ग्वालन संग गाय चराऊं, गायन श्रृंगार बना के गायन को सुख पहुँचाऊं। ब्रजराज बनो गोपाल, गोपाल कहें गोपाल। मैं कालिया मार भगाऊं, गायन के प्राण बचाऊं, पी जाऊं अग्नि विकराल, गोपाल कहें गोपाल। मैं इंद्र याग मिटवायो, गोवर्धन को पुजवायो, प्रलयंकर मेघ बुलायो, इंद्र प्रलयंकर मेघ बुलायो, तुमने गोवर्धन छत्रु बनायो। बन गाय गोप प्रतिपाल, गोपाल कहें गोपाल। सुरभि अभिषेक रचायो, गोविंद नाम मोहि भायो, जो गायन सुख पहुँचावे, वह नर अतिशय मोहि भाव। सर्वस दे करू निहाल, गोपाल कहें गोपाल, गोपाल कहें गोपाल, गोपाल कहें गोपाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, गोपाल कृष्ण की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव।